दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, आज 21 जनवरी सोमवार, आज कुछ बड़ी और ताजा तरीन खबरें निकल कर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज। वीडियो को आपका कीमती लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह रोज वीडियो लाते रहे। आइए डालते हैं फटाफट एक नजर सभी खबरों पर, लेकिन दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सारी खबरें महत्वपूर्ण है। अब जियो टीवी ऐप पर मुफ्त देख सकते हैं 600 से ज्यादा चैनल। रिलायंस जियो अपने उपभोक्ताओं को सारे ऐप्स मुफ्त में उपयोग करने की छूट दे रहा है। इन ऐप्स में जियो टीवी, जियो मूवीज इत्यादि शामिल है। रिलायंस जियो के ये ऐप्स उपभोक्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि रिलायंस अपने उपभोक्ताओं को काफी ज्यादा हाई स्पीड डेटा दे रहा है ताकि वे ऑनलाइन रह सके और ऑनलाइन वीडियो देख सके। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रिलायंस जियो ने अब घोषणा की है कि जियो टीवी ऐप के माध्यम से उपभोक्ता 626 लाइव टीवी चैनल अब मुफ्त में देख सकेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट करके नीचे बताना है। सही जवाब देने वाले को बीबी न्यूज की तरफ से मिलेगा अमेजिंग एंड सरप्राइज गिफ्ट। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली जीत सके कई बड़े इनाम। 31.80% बड़ा विप्रो का मुनाफा। प्रत्येक 3 शेयरों पर एक बोनस शेयर देने का कंपनी ने किया ऐलान। आईटी सेवाएं देने वाली कंपनी विप्रो का एकीकृत शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर में 31.80% बढ़कर 2544.50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कंपनी को पिछले वर्ष इसी तिमाही में 1930.10 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। कंपनी ने अपने शेयर धारकों को प्रत्येक 3 शेयरों पर एक बोनस शेयर देने की अब घोषणा कर दी है। योगी सरकार का बड़ा फरमान, अब शहर में रुके अधिकारी तो नहीं होगी खैर। आम आदमी के लिए परेशानी और अधिकारियों की आराम तलबी को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत तहसील व ब्लॉक मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को अपने मुख्यालय पर ही प्रवास करना होगा। ऐसा न करने पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। वैसे ये आदेश नया नहीं है, अखिलेश सरकार ने भी अधिकारियों को ये निर्देश दिया था लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। भाजपा की यूपी के सत्ता में आने के बाद इस पर नए सिरे से काम शुरू हुआ है। 13 दिनों के भीतर स्वाइन फ्लू के हुए 168 मरीज। राजधानी में जनवरी में 13 दिनों के अंदर स्वाइन फ्लू के 168 मरीजों की पुष्टि होने के बाद दिल्ली सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से बचाव पर अमल करने की मांग की गई है। एडवाइजरी के अनुसार स्वाइन फ्लू सांस से जुड़ी बीमारी है। इसका वायरस हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। बीमार व्यक्ति के छूने से दूसरे को बीमारी हो सकती है। छींकने पर यह इसके वायरस हवा में फैल जाते हैं और आसपास मौजूद लोगों को भी अपना शिकार बना सकते हैं। अगर मरीज दरवाजे, फोन, कीबोर्ड, रिमोट कंट्रोल को छूता है तो ये वायरस इस दूसरे को फैल सकता है। BMW कार दिलाने के नाम पर एक्ट्रेस सोनू वालिया के साथ ठगी, केस हुआ दर्ज। गुजरे जमाने की एक्ट्रेस सोनू वालिया ने मुंबई के बांकुर नगर पुलिस थाने में ठगी की FIR दर्ज करवाई है। सोनू ने बताया है कि उन्होंने एक हाई एंड BMW कार खरीदी जिसे डीलर ने कहकर बेचा था 3000 cc है, लेकिन जब वो कार लेकर सर्विसिंग के लिए पहुंची तब उन्हें पता चला कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर उन्हें 10 लाख की कार को 20 लाख में बेचा गया है। पुलिस के मुताबिक जिस डीलर से एक्ट्रेस ने कार खरीदी है उनके खिलाफ पहले भी शिकायत आ चुकी। चलती कार में लगी आग, 38 साल का इंजीनियर जिंदा जला। शुक्रवार रात सेक्टर 79/80 से बनूड लांड्रा रोड को जोड़ने वाली सड़क पर गांव संभालके के पास एक चलती कार में आग लग गई। कार सवार इंजीनियर माधव चतुर्वेदी इसमें जिंदा जल गया। सेक्टर 108 में रहने वाले माधव आइडिया हरियाणा में AGM की पोस्ट पर तैनात। वे मोहाली के सेक्टर 108 में रहते थे। वीरवार रात 11 बजे माधव अपने घर से निकले, करीब 2.5 किलोमीटर दूर उनकी i10 कार आग की लपटों में घिर गई। मामला संदिग्ध लग रहा है। मौके पर पहुंचे फोरेंसिक साइंटिस्ट ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद 13 नमूने लिए हैं। वॉलमार्ट और अमेजोन को टक्कर देंगे अब मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कहा है कि रिलायंस नई नई ई कॉमर्स कंपनी लाएगी। बहुत जल्द ही ई कॉमर्स मार्केट में दस्तक देने जा रहा है। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2019 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि गुजरात रिलायंस के लिए जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। बहुत जल्द जियो की मदद से रिलायंस इंडस्ट्रीज ई कॉमर्स में प्रवेश करेगी। बता दें कि रिटेल सेक्टर में रिलायंस रिटेल 2006 से स्थापित है। पूरे देश में इसके करीब 10,000 रिटेल शॉप है। स्कूल बस पलटने से 12 छात्रा घायल, 5 की हालत गंभीर।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्कूल बस पलटने से हादसे में कई बच्चे घायल हो गए। बस में करीब 25 छात्र छात्रा बैठे थे। 5 बच्चों की हालत गंभीर है, वहीं स्कूल के छात्रों को उपचार के लिए हमीरपुर अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जज बनी ऑटो चलाने वाले गरीब बाप की बेटी। देहरादून के ऑटो चालक की बेटी ने मिसाल कायम करते हुए पीसीएस पेपर में उत्तराखंड टॉप कर राज्य का मान बढ़ाया है। पूनम ने अपने सपने के साथ अपने माता पिता का भी सपना साकार किया है। पहले 3 स्थानों पर बेटियों ने कब्जा जमा कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। पूनम टोडी पहले, पल्लवी गुप्ता दूसरे और उर्वशी रावत तीसरे स्थान पर रही। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बीते वर्ष 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक राज्य न्यायिक सेवा सिविल जज की परीक्षा 2016 की मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। राजस्थान में महिलाओं के लिए कॉलेज शिक्षा अब होगी निःशुल्क। राजस्थान में कांग्रेस सरकार महिलाओं के लिए कॉलेज शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। फिलहाल सरकारी कॉलेजों में महिलाओं से फीस नहीं ली जाती है, लेकिन विकास शुल्क और लाइब्रेरी शुल्क जैसे कुछ छोटे शुल्क लिए जाते हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया है कि सरकार महिला शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहती है। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए 252 सरकारी कॉलेजों को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने बताया है कि अगले चरण में इसे विश्वविद्यालय स्तर पर लागू कर दिया जाएगा। मेजर अंकिता चौधरी ने 19,000 फीट की ऊंचाई पर 15 डिग्री में योग करके लिम्का बुक में दर्ज कराया अपना नाम। राजस्थान में सीकर के गोकुलपुरा गांव की लाडली बेटी मेजर अंकिता चौधरी ने भागीरथी पहाड़ियों में 5,797 मीटर 19,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर योगासन कर अपना नाम लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। मेजर अंकिता का कहना है कि इस रिकॉर्ड से पहले मई जून 2018 में 45 दिन तक सियाचिन में कर्नल ओमेंद्र पवार के नेतृत्व में ट्रेनिंग की। बजट 2019 में छोटी कंपनियों में काम करने वालों को मिलेगा बड़ा तोहफा, सरकार ने बनाया प्लान। 2019 के बजट में इनफॉर्मल सेक्टर को मोदी सरकार बड़ी सौगात दे सकती है। सरकार सूक्ष्म और लघु उद्योग में सोशल सिक्योरिटी को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है। मसलन सरकार चाहती है कि जो कम सैलरी पर काम करने वाले लोग हैं उन्हें प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाएं मिले। अभी तक ये सुविधाएं ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिलती है। छोटी और मध्यम वर्ग की कंपनियां जिनके कर्मचारियों की संख्या रजिस्टर नहीं होती है और जिन कंपनियों में ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं, ऐसी कंपनियां इनफॉर्मल सेक्टर में शामिल होती है। पीएम मोदी ने किया 1600 बेड वाले इस अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल का उद्घाटन। 750 करोड़ रुपए है लागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च अस्पताल का उद्घाटन किया है। 18 फ्लोर और 1600 बेड वाले इस अस्पताल को 750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसे अहमदाबाद की सबसे ऊंची इमारत भी कहा जा रहा है। एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को अस्पताल लाया जा सके, इसके लिए अस्पताल में हेलीपैड भी बनवाया गया है। दावा किया जा रहा है कि अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहल से बने इस अस्पताल में गरीब लोगों को भी बेहद कम दामों में महंगे अस्पतालों की सुविधा दी जाएगी। हीरो ने 50,000 से भी कम में लॉन्च की नई बाइक। हीरो HF डीलक्स IBS देश की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने इंडियन मार्केट में हीरो HF डीलक्स IBX को लॉन्च कर दिया है। हीरो की यह बाइक कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम से लेस है, हालांकि हीरो ने इसे इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम नाम दिया है। बाइक का दिल्ली में एक शोरूम प्राइस 49,300 रुपए है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2019 से लागू होने वाले नए सेफ्टी फीचर को देखते हुए कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। डील्स ऑफ द डे में यहाँ मिल रहा है एक पर एक फ्री का ऑफर। खाने पीने का कोई सामान खरीदना हो या घर की साफ सफाई का, ऑनलाइन शॉपिंग से ग्राहकों को सस्ते में खरीदारी का मौका मिल रहा है। ऐसा ही एक मौका बिग बास्केट दे रहा है, जिसमें ग्राहक बेहद कम कीमत में घर की सफाई का सामान, परफ्यूम से लेकर कई प्रोडक्ट्स पर ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। बिग बास्केट अपने फ्री ऑफर्स में कमाल की डील दे रहे हैं, जिसमें आप पनीर, ग्रीन टी, ड्राई फ्रूट जैसे खाने पीने वाले सामान पर एक फ्री पा सकते हैं। 21 बच्चों को मिला वीरता पुरस्कार। हिमाचल की इन बेटियों ने सरकार की ये मांग। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 18 जनवरी को घोषणा की गई। पूरे देश से 21 बच्चों को बहादुरी अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। इसमें से हिमाचल प्रदेश की 2 बच्चियां भी शामिल है। कुल्लू जिले में रहने मुस्कान और सीमा ने अपने साहस के जरिए मंचलों के छक्के छुड़ा दिए। रिलायंस जियो का मुनाफा 65% बढ़ा। तीसरी तिमाही में 831 करोड़ रुपए कमाए। दूरसंचार क्षेत्र की निजी कंपनी रिलायंस जियो का 31 दिसंबर 2018 को समाप्त तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 65% बढ़कर 831 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ग्राहकों की संख्या बढ़ने से कंपनी का मुनाफा भी बढ़ गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की तिमाही में कंपनी ने 504 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। मारुति के बाद होंडा ने भी दिया ग्राहक
ग्राहकों को झटका, 10,000 तक महंगी होगी कारें। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की तरफ से पिछले दिनों कारों की कीमत बढ़ाए जाने के बाद अब होंडा ने भी अपनी कारों की कीमत में इजाफा करने का निर्णय लिया है। होंडा कार्स इंडिया की तरफ से कहा गया है कि वह अपने विभिन्न मॉडलों से 1 फरवरी 2019 से बढ़ाने जा रही। कंपनी के मुताबिक सीआरवी मॉडल की कीमतों में 10,000 रुपए और अन्य मॉडलों की कीमतों में 7,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। यूपी के हमीरपुर में ट्रेन से कटकर 36 गायों की मौत, मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में रेल से कटकर करीब 3 दर्जन गायों की मौत हो गई है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह रेलवे लाइन के दोनों तरफ गायों के शव बिखरे पड़े मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इसकी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को दी गई। इस पर जिला और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे और जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर सभी शवों को दफना दिया। वाइब्रेंट गुजरात में घर बैठे मिलेंगे 50% सस्ते फल, ये कंपनी लाई है अनोखा बिजनेस मॉडल। अब अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं और ताजे फल खाना चाहते हैं और वह भी किफायती दाम में, तो जल्द ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं। फार्म टू डोर के नाम से एक स्टार्टअप ने वाइब्रेंट समिट में अपना मॉडल पेश किया है और कुछ ही दिनों में वह अहमदाबाद में शुरू भी हो जाएगा। ये सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल सकेगी। दोस्तों, ये रहा आज का सवाल, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है। इसका सही जवाब आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। सही जवाब देने वाले को हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और उन्हें बीबी न्यूज की तरफ से अमेजिंग एंड सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द हमें कमेंट करके सही जवाब बताएं, साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।